नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लीवर की टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। अगर आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स है या लीवर आपको अपना इम्प्रूव करना है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट अंगों में से एक बोला जाए तो ये कहीं अतिशोक्ति नहीं होगी। लीवर हमारे शरीर में जो हम टॉक्सिक मटेरियल्स खाते रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल या जो भी खाना खाते हैं, उसमें थोड़ा सा टॉक्सिसिटी होती है, ख़राब खाना होता है, पॉइजनस चीज़ें होती है, लीवर उसको डीपॉइजन करता है, उनकी टॉक्सिसिटी को घटाता है और फिर उसे पचाने लायक बनाता है। साथ ही साथ ये हमारे प्रोटीन को, कार्ब्स को, सब जो हम खाते हैं उसे ये पचाने लायक बनाता है और इसके कारण ही हम जो खाते हैं वो सब चीज़ें पच पाती हैं। तो ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी खराबी के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो हमारा पाचन तंत्र ही खराब हो जाता है पूरा और हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, ये सब समस्याएं बहुत आम है। और शुरुआत में जैसे ही लीवर थोड़ा सा ख़राब होना चालू होता है, ये समस्या हमें चालू हो जाती है। और लीवर अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर हमें जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी प्रॉब्लम होती है और उसके बाद दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। तो लीवर के लिए हमें टॉनिक की ज़रूर पड़ती है। और आज मैं आपको सिर्फ एक नहीं, आज मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, लीवर की दवाइयां बताऊंगा, उनके लक्षण बताऊंगा। अगर लक्षण मिले, आप मेडिसिन ये यूज़ करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, लीवर डिसीजेज भी ठीक होंगी, जैसे कि फैटी लीवर या हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम, या सिंपल अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तब भी वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं टॉप 5 में 5वें नंबर की दवा, नेट्रमफॉस। दोस्तों, नेट्रमफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लीवर के लिए। तो सबसे पहले अगर आपकी जीभ आप देखते हैं और उसमें काफ़ी पीलापन है और पीछे वाइट कोटेड है, सामने से बिल्कुल येलोइश कोटेड है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नेट्रमफॉस। जॉइंटिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए मैं हमेशा इसे देता आ रहा हूँ और इससे आपकी गैस की प्रॉब्लम, खासकर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गले में खट्टी डकारें आपको आती हैं, खट्टापन गले में रहता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नेट्रमफॉस। पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता तब भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और जॉइंटिस में तो ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए, हेपेटाइटिस में ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए। तो नेट्रमफॉस आप 12x ट्राइचुरेशन टैबलेट में यूज़ करें, इसे आप 6 गोली सुबह चूसें, 6 गोली शाम को लगातार लें, लगभग 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, इसे 3-4 महीने भी ले सकते हैं, एज पर एज योर रिक्वायरमेंट। आपको कैसी बीमारी है, कब से ये बीमारी है, उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लगातार लें। इसके किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, धीरे धीरे आपके लीवर को ये इम्प्रूव करेगी। टॉप 5 में जो 4th नंबर की दवा है वो है कैरिका पपाया, मतलब पपीता से ये बनती है। मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रेग्नेंट वूमेन इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकती, खासकर इससे अबॉर्शन होता है, पपीता खाने को मना करते हैं डॉक्टर। सबसे पहले अगर आपको भूख ना लग रही हो तो ये सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, कैरिका पपाया सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपका जो जीभ का ऊपर वाला एरिया है वो बिल्कुल वाइटिश वाइट हो और बिल्कुल मिल्क जैसा चिपका हुआ हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैरिका पपाया। खाना पच न रहा हो, जब आप मल त्यागने जाएं तो मल में खाने के टुकड़े भी आपको दिखें, मतलब खाना अच्छे से पच नहीं रहा है जिसके कारण खाना मल के द्वारा निकल रहा है बिना पचा हुआ, अपच आपको है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैरिका पपाया। जॉइंटिस की कंडीशन में, हेपेटाइटिस की कंडीशन में कैरिका पपाया ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको दूध पीने से समस्या होती है और दूध पीने या दूध के प्रोडक्ट्स से, जैसे पनीर से, दही से आपको समस्या होने लगती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैरिका पपाया और गैस, एसिडिटी और गले में खट्टी डकारें आएँ, कैरिका पपाया को आप मदर टिंचर में लें।
करी का पपाया मदर टिंचर आधे कप पानी में लगभग 15 से 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन लगातार यूज़ करें लगभग 15-20 दिन तक, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें लगभग 3-4 महीने तक। दोस्तों अब चलते हैं टॉप 3 मेडिसिन की तरफ। तो तीसरे नंबर की मेडिसिन है चियोनेंथस। दोस्तों चियोनेंथस लीवर डिसीजेस के लिए एक महत्वपूर्ण दवा है, चाहे वो हेपेटाइटिस की कंडीशन हो, चाहे वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, और खास कर ये फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और चाहे वो जॉइंटस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिरोसिस की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर यूज़ करें चियोनेंथस। दोस्तों अगर आपका जीभ बिल्कुल कोटेड हो, हल्का सा वाइट, हल्का सा येलो और बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोटेड हो, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है चियोनेंथस। जब आप मल त्यागने जाएं तो क्ले लाइक, जैसे मिट्टी का कलर होता है, वैसा कलर अगर आपके मल का हमेशा बीच बीच में या हमेशा निकलता हो तो चियोनेंथस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पेट में आपको मरोड़ हमेशा बनी रहती हो और खासकर इस एरिया में, लीवर वाले एरिया में दर्द होता हो, तो चियोनेंथस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चियोनेंथस आपको कैसे यूज़ करना, और भूख ना लगे ये मैं बताना भूल गया था, तो कैसे यूज़ करना है चियोनेंथस। चियोनेंथस आप मदर टिंचर में यूज़ करें और इसे आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार सुबह शाम ले खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। लगातार इसे यूज़ करें लगभग 1-2 महीने तक। चिलीडोनियम सेकेंड नंबर की दवा है, हालांकि इसे पहले नंबर में भी रख सकते हैं और सेकेंड नंबर में भी रख सकते हैं। तो चिलीडोनियम जॉइंटिस के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है और गाल ब्लाडर स्टोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको ये स्कैपुला रीजन में अगर हमेशा दर्द बना रहे इधर, जो कि गाल ब्लाडर स्टोन में होता है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है चिलीडोनियम। दूसरा, अगर आपका चेहरा पीला हो, आपकी आंखें पीली हो, आपके हाथ पीले हो, जो कि जॉइंटिस की कंडीशन में होता है, हो सकता है कि वो हेपेटाइटिस ज़्यादा होने के कारण हो, या आपको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तब भी आपके हाथ पैर पीले रहते हैं, तब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है और आपका जो बाइल साल्ट है वो बढ़ा हुआ है, जो कि जॉइंटिस के कंडीशन में होता है, तब भी चिलीडोनियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चिलीडोनियम को लेने से लीवर सेल्स इम्प्रूव होते हैं, लीवर इम्प्रूव होता है, जॉइंटिस ठीक होता है, हेपेटाइटिस ठीक होता है, फैटी लीवर भी ठीक होता है, भूख लगने लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लीवर के लिए। तो अगर आप कोई एक मेडिसिन लीवर की लेना चाहते हैं तो आपको एक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, वो मेडिसिन है चिलीडोनियम। तो चिलीडोनियम मदर टिंचर में यूज़ करें। चिलीडोनियम मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार यूज़ करें। अगर जॉइंटिस की प्रॉब्लम है तो इसे दिन में 3-4 बार लें, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तब भी इसे दिन में 3-4 बार लें, लगातार यूज़ करें। जॉइंटिस मुझे लगता है 15 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो डिपेंड करता है कि एक्यूट है या क्रॉनिक। एक्यूट भी लगभग 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, क्रॉनिक की प्रॉब्लम है तो वो लगातार आप उसे लेना पड़ेगा लगभग 2-3 महीने तक। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो 3-4 महीने तक इसे लेना पड़ेगा। भूख नहीं लग रही है तो लगभग 1 महीने तक इसे लेना पड़ेगा। अपच की प्रॉब्लम है तो लगभग 1 महीने तक इसे लेना पड़ेगा। इंडाइजेशन में भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में टॉप 1 मेडिसिन कालमेघ। दोस्तों कालमेघ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लीवर के लिए। आदिकाल से इसे यूज़ किया जा रहा है आयुर्वेद में, होम्योपैथी में लगभग 150 साल से यूज़ किया जा रहा है, आयुर्वेद में तो लगभग सालों 1000 साल से भी यूज़ किया जा रहा हो, क्या पता किसी को। तो मतलब बहुत पुरानी ये मेडिसिन है लीवर के लिए, चाहे वो जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम हो, या आपको मलेरिया के कारण आपका लीवर बढ़ गया हो, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल वायरल किसी तरह की प्रॉब्लम हो जिसके कारण आपका पेट खराब हो गया हो, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा बने, पेट फूले, और आपको जॉइंटिस के कारण आपका जो जीभ है वो पीला पीला हो, आँखें चेहरा भी काफ़ी पीला हो गया हो, पेशाब पीली आ रही हो, तो हर तरह के लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए, यहाँ तक कि ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो कालमेघ मदर टिंचर यूज़ करें। कालमेघ मदर टिंचर
आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में एक्यूट कंडीशन में दिन में 3 से 4 बार लीजिए। जैसे कि मलेरिया की प्रॉब्लम है तो दिन में 3 से 4 बार लीजिए, और जैसे कि अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस या जॉइंटिस की प्रॉब्लम है तो दिन में 3 से 4 बार लीजिए, लगभग इसे 15-20 दिन तक। अगर क्रॉनिक कंडीशन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, डायबिटिक मेलाइटस, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसे आप दिन में 2 बार लीजिए। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो टॉप 5 मेडिसिन मैंने आपको लीवर की बताई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे लास्ट में, जब आप इतना वीडियो देख लिए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, और अब लगभग 22 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो शेयर करना ही बनता है। अगर आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, kirtivikramsinghparihar@gmail.com पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।